शो अनुपमा की कहानी में जिस तरह महाशिवरात्रि के पर्व वाले दिन पूरा घर में खुशियों की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच समर और नंदिनी मिलकर लेने वाले वनराज शाह से आशीर्वाद ताकि वो अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सके। लेकिन इस बार तो वनराज शाह ठुकरा देगा समर और नंदिनी को, साफ साफ कह देगा कि मैं ये रिश्ता तुम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और अगर तुम दोनों को ऐसे ही करना है तो तुम लोग भी इस घर से हमेशा के लिए जा सकते हो, यहाँ तक कि इस बार तुम दोनों यहाँ से चल जाओ। जिसके चलते एक बार फिर से समर का भी गुस्सा ही अपने पिता पर दिखने वाला है। वो भी सास को कह देगा कि मैं भी अब नंदिनी से शादी करके रहूंगा और ये घर आपका नहीं मेरी माँ का है, जिसे सुनकर अनुपमा भी हो जाएगी काफी दंग। अब क्या करने वाले हैं समर नंदिनी? क्या वो भी तोशु और किंजल की तरह भागकर शादी कर लेंगे? क्या अनुपमा इस बार समर का साथ देने वाली हर बार की तरह? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल।